सुदर्शन चूर्ण कहाँ प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है, इसकी भी चर्चा करूंगा। सभी को नमस्ते, मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में मैं सुदर्शन चूर्ण बनाने की विधि का वर्णन करूंगा और सुदर्शन चूर्ण कहाँ प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है, इसकी भी चर्चा करूंगा। तो सुदर्शन चूर्ण, जैसा आप जानते हैं, ये सर्व ज्वर हर योग है, सभी प्रकार के बुखार में काम आने वाली दवा है। अब इसके घटक द्रव्य बहुत ज्यादा हैं, आप लिख लें। मैं तो नहीं कहूंगा कि आप इसे बनाइए, बड़ी कंपनियां सब बनाती ही हैं और आसानी से मार्केट में उपलब्ध है सभी दुकानों पर। इसके जो घटक द्रव्य हैं वो है बड़ी हरड़ का छिलका, बहेड़े का छिलका, आंवला, हरिद्रा यानी हल्दी, दारू हरिद्रा, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, कचूर, सौंठ, काली मिर्च, छोटी पिपली, पिपली मूल, मूरवा, गिलोय, घमासा, कुटकी, पित्त पापड़ा, नागर मोथा, त्रैमाण। अगर त्रैमाण न मिले तो उसकी जगह आप बनफसा यूज कर सकते हैं, नेत्र बाला और निम्ब मूलत्व यानी नीम के जड़ की छाल, पुष्कर मूल, मुलेथी, कुटज की छाल, अजवाइन, इंद्रजौ, भारंगी, सहजन के बीज, शुद्ध फिटकरी, वच, दालचीनी, पद्माक, खस, श्वेत चंदन, अतीस, खरेटी, खरेटी यानी बला, सारीवा, पिठवन, वायविडंग, तगर, चित्रक मूल, देवदारू, चव्य और कड़वे परवल की पत्तियां, जीवक। अगर जीवक ना मिले तो उसकी जगह आप विदारी कंद प्रयोग कर सकते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट है। ऋषभक, ऋषभक अगर ना मिले तो इसकी जगह आप काकोली यूज कर लें, और काकोली ना मिले तो शकाकुल मिश्री, ये इसके सब्स्टिट्यूट्स हैं। लवंग, वंशलोचन, श्वेत कमल, काकोली, तेज पत्र, जावित्री और तालीस पत्र, ये कुल 53 द्रव्य हुए। तो इन 53 द्रव्यों को समान मात्रा में ले लें, कूट पीस करके कपड़ छान चूर्ण बना लें और इनको आपस में मिक्स कर दें। जितना वजन इन 53 द्रव्यों का हुआ उसका आधा भाग चिरायता मिला लें, चिरायता लेकर के उसको बारीक कपड़ छान चूर्ण बना लें और इसी पाउडर में मिक्स कर दें। अब आपकी औषधि तैयार हो गई और इसको सुरक्षित रख लें, यही सुदर्शन चूर्ण है। धीरे धीरे आप वीडियो को देखेंगे और कागज कलम लेके बैठेंगे तो सारी औषधियां आप नोट कर सकते हैं। और मात्रा इसकी 3 से 6 ग्राम तक की है और अनुपान हल्का गुनगुना जल। अधिक जानकारी के लिए आप किसी वैद्य से सलाह अवश्य लें, और बनाने की भी सलाह मैं नहीं दूंगा, लेकिन औषधियों की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने घटक द्रव्यों की चर्चा की। बना बनाया सभी बड़ी कंपनियों से उपलब्ध है। और ये छोटे बच्चों में, अगर मान लीजिए कि 2 साल या 3 साल की उम्र है तो 2 रत्ती से 4 रत्ती तक, और शहद के साथ में उनको खिलाएं। अगर 12 वर्ष तक, 10 वर्ष तक कोई बालक है तो उसको 1 से 1.5 ग्राम की मात्रा में ये चूर्ण दें, और वयस्क लोगों को 3 से 6 ग्राम की मात्रा में। सुदर्शन चूर्ण के सेवन से वातज, पित्तज, कफज, द्विदोषज, सन्निपातज यानी हर प्रकार का जो ज्वर होता है, फिर आगंतुक ज्वर, वो भी इससे ठीक होता है। तो ये सर्व ज्वर हर योग है, समस्त ताप नष्ट हो जाते हैं। यह सुदर्शन चूर्ण
इन सभी ज्वरों को नष्ट करता है और इन ज्वरों में होने वाले अवचेतना, तंद्रा, मूर्छा, दाह, श्वास, कास या अन्य जो समस्याएं पैदा होती हैं ज्वर के कारण से, जैसे कमर में दर्द होना, पसलियों में दर्द होना, ये सभी उपद्रवों को यह चूर्ण शांत करता है। इस चूर्ण को ज्वर की किसी भी अवस्था में दिया जा सकता है। मान लीजिए फीवर आ रहा है तो फीवर उतरने पर भी इसे दिया जा सकता है। चढ़े हुए फीवर में अगर टेम्परेचर ज्यादा है तब भी इस चूर्ण का प्रयोग किया जा सकता है। जब बुखार चढ़ा हुआ हो तो इसको अगर आप गर्म पानी से, हल्का गुनगुना पानी से सेवन कराएंगे तो पसीना बहुत आएगा और फीवर उतर जाएगा। तो किसी भी प्रकार से सेवन करवाएंगे, यह बुखार की बहुत अच्छी दवा है और सभी प्रकार के बुखारों में काम करता है, सभी प्रकार के फीवर में काम करता है। अब समस्या यह है कि इसके घटक द्रव्य 54 हैं, 54, और सभी द्रव्य आप इकट्ठे करें ये संभव नहीं है। तो अच्छा है कि आप मार्केट से ले लें, उसको प्रयोग करें, पर बनाने की विधि जानना चाहिए, इसलिए मैंने आज इसकी चर्चा की। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं एक निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के लाभ के लिए, मित्रों के लाभ के, आपके सगे संबंधियों के लाभ के लिए इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा शेयर जरूर करें, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक। इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।